चलो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने बीएससी के चैप्टर में अभी तक सिर्फ एक ही टॉपिक खत्म किया, दैट इज डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। हमने डेफिनेशन को भी बहुत डिटेल में पढ़ा, क्योंकि हम अब पढ़ने क्या वाले हैं, एक बिजनेस मैनेजमेंट और उसके बाद पार्ट बी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली ये पूरी किताब जो है दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक तो हम पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें हम पहले 8 चैप्टर पढ़ेंगे, और दूसरे में पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे। दिस इज फाइनेंशियल एंड कस्टमर मैनेजमेंट बेसिकली, जो हम बी पार्ट में पढ़ते हैं, बाद की बात है। लेकिन हम ए पार्ट में पूरे 8 चैप्टर के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट का डेफिनेशन आपके दिमाग में जाना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव द गोल्स ऑफ द कंपनी, टू अचीव द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट, ठीक है। 3 वर्ड्स थे, व्हाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फंक्शंस व्हिच हैपेंस इन मैनेजमेंट। और वो कौन से फंक्शंस थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड दे हैव टू बी इन द राइट सीक्वेंस, यू कैन नॉट ब्रेक द सीक्वेंस। पहली बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवली मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंटली ये भी मैंने आपको बता दिया, और जाते जाते हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। समवन हु इज वेरी एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव कैन नॉट वर्क, समवन हु इज वेरी एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव कैन नॉट वर्क, एंड समवन हु इज वेरी इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट अगेन कैन नॉट वर्क। इट मीन्स दैट इज अ ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट टू मेक पीपल एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, और यही एक मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो उन्हीं लोगों को रखे जॉब के ऊपर जो इफेक्टिव भी हैं और एफिशिएंट भी हैं। उन्हीं को बोला जाता है अच्छे कैंडिडेट, अच्छे लोग जो इफेक्टिव भी हैं और एफिशिएंट भी हैं। आप जब पेपर देने के लिए बैठोगे अकाउंट्स का और वहां पे पेपर दे रहोगे, आप अगर इतना भी सीट से उछल जाओ और बोलो मुझे सारा पेपर आता है, मुझे सारा पेपर आता है, और ऐसे ऐसे करके करना शुरू कर दो, लेकिन अगर आप पेपर टाइम पे पूरा नहीं कर पाए तो मार्क्स नहीं आएंगे। यही बात होगी ना आपके साथ? तो इसलिए ख्याल रखना कि यू हैव टू बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बोथ, ठीक है जी। आ जाओ आगे बढ़े, और आज का टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या टॉपिक है? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स बोलो, एट्रीब्यूट बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, जो मर्जी बोलो, ये आप जो मर्जी कह सकते हो, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा आज का टॉपिक है। दिस इज टॉपिक नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। टोटल कितने टॉपिक है इसमें? टोटल कितने टॉपिक हैं? 9 टॉपिक हैं। अगर हमने एक टॉपिक एक दिन में किया और सही विश्वास में 9 दिन में 9 टॉपिक भी खत्म कर दिए, तो आप बहुत लकी हो अगर 9 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाए। अगर 9 दिन में एक चैप्टर खत्म हुआ तो 8 चैप्टर खत्म करने में 72 डेज लगेंगे। अगर छुट्टियों को बीच में डाल दिया जाए तो 100 डेज के अंदर आपके 8 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, और इतना ही टाइम लगता है, 100 से लेकर 110 डेज तक ये चैप्टर खत्म हो जाते हैं। पहली बुक इससे जल्दी भी कर सकते हो अगर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं और आप पढ़ते चले जाओ और मैं समझाता जाऊं, लेकिन ऐसा मैं करने वाला नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो लो, सबसे पहला फीचर क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब अगर आपकी कोई गोल ही नहीं लाइफ के अंदर, आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं, आप कहीं पहुंचना नहीं चाहते, तो मैनेजमेंट क्या करनी है? फिर चले चलो। अगर आपके दिमाग में कोई टारगेट ही नहीं है दैट आई वांट टू गेट 100 मार्क्स, ऐसा कोई टारगेट आपके दिमाग में है नहीं दैट आई हैव टू गेट 90 मार्क्स, आई हैव टू गेट 85% मार्क्स, फिर चले चलो, फिर कहेगी मैनेजमेंट? फिर तो उठो सवेरे सवेरे जैसे डंगर उठते हैं, खाना खाओ, पढ़ने का मन है तो पढ़ लो, नहीं तो फिर सो जाओ, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर टीवी देखो, फोन देखो, फिर सो जाओ, फिर सवेरे उठ जाओ। यही बहुत सारे बच्चे करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ टारगेट। मैनेजमेंट वही करेगा जिसके दिमाग में कोई गोल है, मींस कोई टारगेट है। जब कोई टारगेट ही नहीं तो फिर गोल मैनेजमेंट कैसे? इसीलिए सबसे पहला फीचर क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब पहले दिमाग में कुछ होना चाहिए दैट आई हैव टू अचीव दैट, तभी तो मैनेज करोगे। जब दिमाग में बात आएगी दैट आई हैव टू गेट 100 मार्क्स, फिर दिल बोलेगा उठ 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 के टाइम टेबल बना, उठ उठ के पढ़ने बैठ, अपने आप से अंदर से आवाज आएगी, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इन अ स्टूडेंट लाइफ। ऐसे ही कंपनियां, कोई भी बिजनेस अगर आप करो, चाहे छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, उसका भी टारगेट होता है कि मुझे इतने का सामान बेचना है,
बिना टारगेट के कभी बिजनेस चले आज तक? कभी भी नहीं चलते। और जिस बिजनेस में टारगेट नहीं होता वो बिजनेस नहीं होता, बिजनेस फेल हो जाएगा। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये पहला पॉइंट हुआ। आज पॉइंट नंबर टू में, फर्स्ट पॉइंट देखो, दूसरे में मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब PER है, PERSAVIE। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अगर ये वर्ड आपको हार्ड लगे तो आप ऐसा लिख लो, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ कंपनियों में होती है ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट घर पे होती है, मैनेजमेंट सब्जी की दुकान पे होती है, मैनेजमेंट स्कूल में होती है, मैनेजमेंट होटल में होती है, मैनेजमेंट बड़ी कंपनी में होती है, मैनेजमेंट छोटी कंपनी में होती है। मैनेजमेंट आपके पापा करते हैं, मम्मी करती है, सब्जी वाला करता है, दूध वाला करता है, फोन वाला करता है, हर इंसान मैनेजमेंट करता है। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये पूरे यूनिवर्स में है। एक देश भी मैनेजमेंट से चलता है, एक कंपनी भी मैनेजमेंट चलती है, एक चाय की दुकान भी मैनेजमेंट करती है, सब्जी की रेडी भी मैनेजमेंट करती है, आप अपनी जिंदगी को मैनेज करते हो, पापा घर को मैनेज करते हैं, मम्मी खाने को मैनेज करती है, हर इंसान मैनेजमेंट से चल रहा है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मैं ना भी लिखवाऊं ना तो आप फीचर्स लिख सकते हो, अगर मैं आपको ना भी लिखवाऊं तो आप इसके अंदर का आइटम खुद लिख सकते हो, इसमें जो लिखना है इतना मैं बता रहा हूं आपको। आ जाओ तीसरा, लिखे तीसरा नंबर थ्री, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, ठीक है जी। अब मैनेजमेंट इज परवेसिव मीन्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मैनेजमेंट हर दुनिया के हर यूनिवर्स क्या है, ये पूरे ब्रह्मांड दुनिया के हर कोने पे हर जगह पे मैनेजमेंट एक्सेप्टेड है, हर इंसान मैनेजमेंट कर रहा है। आपकी मम्मी क्या मैनेज कर रही है, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, आपके कपड़े सब मैनेज कर रही है। कौन बना रहा खाना आपके लिए घर पे? आप तो यहां बैठ के पढ़ रहे हो, घर जाते ऐसे परोठे मिलेंगे, कौन बनाएगा? किसकी थिंकिंग है आज सुबह क्या बनना चाहिए, दोपहर को क्या बनना चाहिए, रात को क्या बनना चाहिए? कौन मैनेज कर रहा है? मैनेजमेंट। आपकी स्टडी कौन मैनेज कर रहा है? मम्मी। कौन? आप मैनेजमेंट कर रहे हो। आपके आपके क्लासेस में आप पास हो जाओगे, फेल हो जाओगे, टेस्ट लिए जाएंगे, कौन मैनेज कर रहा है? आपके स्कूल मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हो, हर कोई मैनेज कर रहा है। हर इंसान, हर कंपनी, हर बिजनेस, हर घर, हर होटल, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर गुरुद्वारा, हर मंदिर, हर जगह मैनेजमेंट है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज परवेसिव मीन्स इट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। मैनेजमेंट सिर्फ 12th क्लास का एक सब्जेक्ट नहीं है, मैनेजमेंट हर जगह पे हो रही है। फाइन, आ जाओ आगे। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन का मतलब ये है, मैनेजमेंट इज हैपनिंग इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। ये नहीं भैया टारगेट है सामान बेचने का तो सेल्स वाले मैनेजमेंट करेंगे। बॉस ने टारगेट दिया, भैया इस साल 10,000 गाड़ियां बिकनी चाहिए, मान लो आपका कार का बिजनेस हुआ, 10,000 कार्स बिकनी चाहिए, तो प्रोडक्शन वाले ने क्या किया, छिपके बैठ गया टेबल के नीचे, बोला मेरा क्या, वो करेगा मैनेज जिसको गाड़ी बेचनी, हमें थोड़ी बोला बेचने के लिए, हम तो प्रोडक्शन करते हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर प्रोडक्शन वाला सही तरह से मैनेज ना कर पाया और उसने गाड़ी प्रोड्यूस ही ना की तो क्या सेल्स वाला बेच पाएगा? तो मल्टी डायमेंशनल है, यानी हमें टारगेट तो यह था कि 10,000 कार्स बेचनी है, लेकिन 10,000 कार्स कौन बनाएगा? प्रोडक्शन। तो पहले वहां मैनेजमेंट जरूरी है, अरे प्रोडक्शन होगी तो ही तो सेल होगी। और फिर प्रोडक्शन वाला पता क्या बोलेगा, चुपचाप से बैठ जाए, यार मुझे तो कैश ही नहीं मिला, मुझे तो रॉ मटेरियल परचेस करना था, इन लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए, यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज नॉट मैनेज्ड। वो तो सीधा सीधा बोल देगा, मैं पैसे मांगने गया था सर, रॉ मटेरियल चाहिए था, इन लोगों ने रॉ मटेरियल ही नहीं दिया, मतलब पैसा नहीं था कंपनी में, जब पैसा ही नहीं था तो रॉ मटेरियल नहीं आया, रॉ मटेरियल नहीं आया तो मैंने प्रोड्यूस नहीं किया। सेल्स वाला बोलेगा इसने बनाया नहीं, मैंने बेचा नहीं, हो गया भंडादार कंपनी का। मतलब टारगेट तो सेल्स का है लेकिन सेल्स किस पे डिपेंड है? प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन किस पे डिपेंड है? अकाउंट्स पे। और अकाउंट्स वाला बोले मैं क्या बोलेगा दोबारा से, अरे पैसा कहां से लाता, इतना सारा उधार दिया मार्केट में, ये सेल्स वाले ने इतना उधार माल बेचा हुआ, उन लोगों ने पेमेंट ही नहीं की,
हमारे डेप्टर्स ने हमें पेमेंट नहीं की, हमारा करोड़ों रुपया मार्केट में फंसा हुआ है, मैं पैसा कहां से लाऊं, घर से ले आऊं पैसा? लो, वो फिर किस पे डिपेंड हो गया? सेल्स। देखा आपने कैसे सर्कल घूम गया, तीनों डिपार्टमेंट का सर्कल घूम गया ना। सेल्स वाले को टारगेट दिया किसने? एमडी ने, 10,000 गाड़ी बेच दो। उसने जाके प्रोडक्शन को बोला, भैया 10,000 गाड़ी बनानी है इस बार, मुझे बेचनी है। प्रोडक्शन वाले जाके अकाउंट्स को बोला, हाजी पैसा चाहिए रॉ मटेरियल के लिए। अकाउंट्स वाले ने फिर सेल्स वाले को बोला, भैया पैसा इकट्ठा कर जो तूने लास्ट ईयर उधार बेचा था, अभी तक पैसा नहीं आया। इससे मल्टी डायमेंशनल, आप देखे मेरी बात, ये मैनेजमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक आइटम को मैनेज नहीं करेगा। मैनेजमेंट इज मैनेजिंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मींस उसको भी मैनेज कर रहा है। मैनेजमेंट हैज टू बी मैनेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट हैज टू बी मैनेज सेल्स डिपार्टमेंट, यानी ये सभी डिपार्टमेंट्स को मैनेज करेगा। वी हैव टू मैनेज द वर्क, वी हैव टू मैनेज द मशीन्स, वी हैव टू मैनेज द प्रोडक्शन, तभी तो जाके लास्ट में टारगेट कंप्लीट होगा। अगर एक इंसान को टारगेट देके हम चुपचाप से बैठ जाए तो क्या काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वी हैव टू मैनेज द होल डिपार्टमेंट्स, तो इट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है जी, इसमें वर्क भी मैनेज किया जाएगा, इसमें मैन भी मैनेज किया जाएगा, इसमें मशीन भी मैनेज की जाएगी। इसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल, वेयर वी मैनेज द वर्क, वेयर वी मैनेज द मैन, वेयर वी मैनेज द मशीन, क्योंकि जब तीनों मिलेंगे तभी टारगेट कंप्लीट होगा। आई बात समझ में? तो हम यहां पढ़ेंगे, लिखाऊंगा मैं, आ जाओ आगे नेक्स्ट में आ जाओ, पॉइंट नंबर 4 में आओ। ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, आप कर सकते हो और ये पेपर में आता है केस स्टडी में। चौथा है हमारे पास, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है बस आज आपका माइंड में टारगेट आया, भैया मुझे 100 नंबर लेने हैं, आपने मैनेजमेंट किया और बैठ गए। क्या किया आपने? टेबल बनाया और पढ़ाई शुरू कर दी। ऐसे नहीं है, यू हैव टू क्रॉस चेक योरसेल्फ कि क्या आप सच्ची में वो नंबर ले पा रहे हो। अपने टेस्ट लिया, आपने नए नंबर नहीं आ रहे, अब क्या करना है? चेंज, अब चेंज करो। मतलब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलने वाला प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, ये एक बार करने से खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। वी हैव टू बी रेगुलर डूइंग मैनेजमेंट। आपकी मम्मी रोज सुबह उठ के मैनेज करती है आज सारे दिन में क्या क्या पकाया जाएगा, कभी कभी आपसे डिस्कस करती होगी सुबह क्या बनाए खाने में, करती है? मेरी वाली जरूर करती है, मम्मी मेरी जरूर करती है, पता है कि मैंने खूब सारा खाना है, तो पक्का पूछती है सुबह सुबह क्या बनाए खाने में, अच्छा दोपहर को क्या खाएंगे खाने में, आज रात को क्या होगा खाने में, पक्का पूछते हैं। व्हाट शी इज डूइंग एवरी डे इन द मॉर्निंग और एवरी नाइट शी इज मैनेजिंग द डे। करते नहीं करते? पापा भी मैनेज करते हैं, आज सुबह सुबह कैंटीन से सामान लेके आना है, फिर बाजार से ये सब लिस्ट बनाते हैं ना बैठ के, कई बार हिसाब से मैनेजिंग करते हैं, उस दिन को मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार मैनेज किया तो खत्म, मीन्स एक कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। यू हैव टू मैनेज एवरी डे, हर रोज बिजनेस में एक नया दिन होता है ना। कभी बिजनेस में लड़ाई हो गई, कभी बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, मीन्स इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट्स नॉट ओनली वंस कि आपने किया और खत्म, ये रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, टाइम पता नहीं कहां दौड़ता है। फिर आ जाओ उसके बाद, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, आप अकेले इंसान को मैनेज नहीं कर सकते, अकेले इंसान को मैनेज करने की क्या जरूरत है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि एक डायनेमिक फंक्शन है, डायनेमिक मतलब होता है लाइव, जिसमें जान है, जो जिंदा है, ये रिजिड नहीं है, समथिंग विच इज फिक्स ऐसा नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। मान लो आपने टाइम टेबल बनाया था 8 घंटे पढ़ने का, अभी 8 घंटे पढ़ के भी आपका टारगेट सेट नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है और पढ़ने की जरूरत है, तो देन यू कैन चेंज इट एंड मेक इट 12 आवर स्टडी टाइम टेबल। मतलब ये डायनेमिक है, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप चेंज कर लो, ये रिजिड नहीं, रिजिड मैंने समथिंग विच इज नॉट फ्लेक्सीबल ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट के अंदर हम फ्लेक्सीबिलिटी होती है, मैनेजमेंट में हम अपने अकॉर्डिंगली चीजें चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज आवर सेल्फ, उसे बोलते हैं डायनेमिक ऑप्शन, ठीक है, जिसमें चेंजेस आ सके। आज नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स, फिर वही बात, इंटेंजिबल क्या होता है? समथिंग विच यू कैन फील ओनली, यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी। आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते,
यू कैन नॉट सी द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ले भैया ये पकड़ मैनेजमेंट ले जा, ऐसा नहीं होता। मम्मी मैनेज करती है, आपको खाना मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, लेकिन मम्मी क्या कर रही है मैनेजमेंट के अंदर, वो मैनेजमेंट क्या है कभी देखा किसी ने? इट्स एन इंटेंजिबल फोर्स, समथिंग विच यू कैन फील। फील कैसे होते हैं? जो आपने मांगा तो आपको खाने को मिल गया, वाह मम्मी क्या सही टाइम पे आपने खाना दिया है, थोड़ा सही मैनेज किया है। कभी बोलते हैं ना, ऐसा कभी बोला आपने आज तक? नहीं बोला, तो बोल दो। मम्मी की जितनी तारीफ करोगे उतना खुश रहोगे, ये दिमाग में हमेशा याद रखना। मम्मी की तारीफ करने का मतलब है अच्छा अच्छा खाने को मिलना और अच्छी अच्छी बातें होना। मम्मी जो है ना वो सिर्फ एक ही चीज की भूखी है, उसको पैसे नहीं चाहिए, ना ही आप कमा के दे सकते हो, अभी आपको उम्र नहीं अभी कमाने की। तो मम्मी को आपसे क्या चाहिए मालूम? झूठी तारीफ। आप सच्ची तारीफ करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन झूठी भी करोगे तो चलेगा। हर रोज आते जाते आते जैसे घर में घुसो, जैसे घर से निकलो, जैसे घर, मम्मी वाह क्या बात है, क्या सही खाना बनाया था, मजा आ गया। कभी कभी खाने में नमक कम भी हो ना तो मैं जानबूझ के बोल देता हूँ वाह 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 क्या बात है, मजा आ गया। वो इतने में खुश हो जाती है, कितनी खुश हो जाती है मालूम? उसका खून बढ़ जाता है, खून होमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो तारीफ करने से मम्मी चलती है, मम्मी का जो पेट्रोल है वो तारीफ है, आप डालते रह करो मम्मी चलती रहेगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज ए टेंजिबल फोर्स जो हमें दिखती नहीं है, वे हम फील करते हैं। कैसे फील करोगे? यू हैव मेड अ प्रॉपर टाइम टेबल, नाउ हाफ ईयरली एग्जाम हैव कम, यू गॉट 98% मार्क्स, यू कैन फील दैट यू हैव मैनेज प्रॉपरली। आपको तब फीलिंग आएगी वाह यार ये टाइम टेबल बनाया, सुबह उठ के पढ़ाई करनी स्टार्ट की, सच्ची में काम हो गया। मीन्स यू कैन फील मैनेजमेंट, यू कैन नॉट सी द मैनेजमेंट, यू कैन नॉट टच द मैनेजमेंट। बात खत्म हुई। तो लो ये हमारे पास टोटल 7 इसके फीचर्स हैं। मुझे बताओ कोई एक ऐसा फीचर जो आपको याद करना हो, नोटिफिकेशन मारनी हो या समझ में ना आया हो। तो क्या ये 7 फीचर्स के अंदर डिटेल में लिखवाऊं या आप अपने आप से लिखोगे? अपने आप से लिखोगे? नॉनसेंस, कहीं नहीं लिखोगे आप, लिखो जल्दी से पहले वाला फटाफट से, मुझे मालूम है आप नहीं लिखोगे। सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ गोल, मैं थोड़ा लिखवाऊंगा, आपको बुक नहीं खोलनी इसके बाद। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में लिखो मैनेजमेंट पहले वाले में। फर्स्ट फीचर, हम फर्स्ट फीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहला फीचर लिखो मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं इफ देर इज नो गोल देर इज नो मैनेजमेंट। लिख लो आप, इफ देर इज नो गोल और टारगेट देन देर इज नो मैनेजमेंट। अगर कोई आपकी दुनिया में कोई टारगेट ही नहीं है, आप सिर्फ पशुओं की तरह आए और पशुओं की तरह मर जाओ, तो फिर कोई आपके पास मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, फिर कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं। सोचो आप घर के अंदर कच्चा खाना खाते होते हैं, कच्चे आलू कच्चे प्याज, तो मम्मी खाने को मैनेज करती। जैसे आप घर जाते हैं मम्मी क्या करती? 4 आलू 4 प्याज और 4 मिर्ची आपके सामने रखती, बोलती खा लो, कैसा लगता सोच के देखो। लेकिन आप लोग खाते हो अच्छे अच्छे बने हुए तले तले खाने से, है ना, इसलिए मम्मी को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि गोल है टू गिव यू गुड फूड। ऐसे ही एक कंपनी का अगर टारगेट नहीं होगा तो मैनेजमेंट नहीं होगी भाई, पहले टारगेट होना जरूरी है ना। देखा आपने, इफ देर इज नो गोल देर इज नो मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी लिख दो, फॉर एग्जाम्पल इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस और कंपनी इज टू सेल 1000 कार्स, if the objective of the business or the company is to sell 1000 cars, then only the manager will plan the course of action. ठीक है जी, अगर कुछ टारगेट होगा तो ही तो मैनेजर बेचारा कुछ मैनेज करेगा,
अगर टारगेट ही नहीं होगा तो मैनेजर क्या करेगा, चलने दो ऐसे। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मैनेजमेंट इज प्रोग्रेसिव और वी कैन से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसके अंदर लिखो द यूज ऑफ मैनेजमेंट, द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट, द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रेस्ट्रिक्टिव टू बिजनेस ओनली। इनफैक्ट मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल, इनफैक्ट मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल होम, स्कूल, टेम्पल, हॉस्पिटल, ईटीसी। उसके बाद इसी के आगे लिखो इवन मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल बिग और स्मॉल एंटरप्राइजेस। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल बिग और स्मॉल एंटरप्राइजेस, चाहे कंपनी बड़ी हो, चाहे कंपनी छोटी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। बिना मैनेजमेंट के तो आप गुरुद्वारे में एक लंगर नहीं करवा सकते। सोचा आपने कभी, देखा है गुरुद्वारे में लंगर होता तो क्या होता है, भैया तू वहां खड़ा रहेगा, तेरा काम है सब्जी बांटना, तू वहां खड़ा होकर खीर पे खड़ा हो, खीर बंटवाएगा, तू थाली बांटेगा, तुम लोग अंदर अंदर जाके लंगर बांटोगे, तुम थाली दोगे उस तरफ में, चार लोग वहां लगा दिए, तुम क्या करोगे, तुम ऊपर से चपाती बन रही है लेके आओ, ऐसा होता कि नहीं होता, कभी देखना अपने आसपास। तो मतलब ये है, समवन इज अ हेड हु इज मैनेजिंग दैट प्लेस। होता है घर में शादी होती है, मैनेजमेंट होती है, बर्थडे पार्टी हो जाए, छोटी सी बर्थडे पार्टी घर के अंदर मैनेज करते हैं, अभी तेरा तो केक लेके आएगा और कोल्ड ड्रिंक्स का अरेंजमेंट करेगा, आप मम्मी क्या करेंगी, मम्मी पकौड़े बना देंगे और दो चार आइटम और बना देंगी, हाँ ये क्या करेगी ये लेके आएगी, ऐसा होता है ना मैनेज। हर एक जगह पे मैनेजमेंट है, बिना मैनेजमेंट के कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसे बोलते हैं हम मैनेजमेंट इज परवेसिव, मींस इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सब जगह पे एक्सेप्टेड है, नॉट ओनली स्मॉल फॉर्म्स, नॉट ओनली बिग फॉर्म्स, एवरीवेयर। ठीक है जी, आ जाओ पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। हेयर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, लिख लेना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से आता कभी कभी में एक्सप्लेन 1 से 2 नंबर में, और नहीं तो फिर हेलो तुम नाक ढक ले पहले तो। और दूसरा ये वाला पॉइंट जो है ये आपको फंसाता है कहां पे, केस स्टडी में, इसको समझना कौन से। व्हेन आई टॉक अबाउट मल्टी डायमेंशनल इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट में होना है, सुनो मेरी बात पहले, ठीक है। तो हम इसे डिपार्टमेंट वाइज ना पढ़ के पता क्या बोलते हैं, हम हर चीज को मैनेज करते हैं, वी मैनेज द वर्क, वी मैनेज द मशीन्स, वी मैनेज द ह्यूमन बींग्स, वी मैनेज द ऑपरेशंस, उसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। काम करता कौन है, लेबर, वी मैनेज द, होता किससे काम, मशीन, वी मैनेज द, और काम करने को बोलते क्या है, ऑपरेशंस, वी मैनेज द। तो हम वर्क भी मैनेज करते हैं, हम ह्यूमन बींग को भी मैनेज करते हैं, और हम ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हैं, हम तीनों चीजों को मैनेज करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं कि यू कैन ओनली मैनेज मशीन्स, ऐसे मशीन को स्टार्ट करना है, ऐसे बटन घुमाना है, फिर ऐसे चल पड़ेगी, फिर ऐसे, नो, यू मैनेज मशीन एज वेल एज द वन हु इज ऑपरेटिंग द मशीन, मीन्स ह्यूमन बींग।
आप मशीन को भी मैनेज करते हो, आप ह्यूमन बीइंग को भी मैनेज करते हो और आप टोटल ऑपरेशन को भी मैनेज करते हो। ठीक है जी, तो लिखो इन मल्टी डायमेंशनल वी मीन, इन मल्टी डायमेंशनल वी मीन, इसको आगे से बांट लेना, इन मल्टी डायमेंशनल वी मीन नंबर वन मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। वो वाला ऑपरेशन एक ऑपरेशन जनरल होता है, ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है। बिजनेस में भी ऑपरेशंस होते हैं ना, मतलब ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशन हो रहा है, कहीं पे फैब्रिकेशन हो रहा है, कहीं पे सेल्स हो रहा है, दोज आर कॉल ऑपरेशंस। ठीक है जी, तो सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इसका क्या मतलब है, दो दो लाइन लिख लो बस, मैनेजमेंट ऑफ वर्क लिखो। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप, आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क, मैनेजमेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर एम टू अचीविंग, आर एम टू अचीविंग दीज टास्क और गोल्स। The task or goal depends upon the nature of business. For example, the task of a school, the task of a school is to provide a good education. ठीक है जी, अब मैनेजमेंट के अंदर जब हम काम को मैनेज करते हैं तो भैया काम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। स्कूल का काम क्या है, टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन, तो स्कूल को सजाओ, स्कूल में फूल पत्ते लगा दो, स्कूल में बहुत अच्छा बगीचा बनाओ, बहुत अच्छे झूले लगाओ, बिल्डिंग को सही कर दो, लेकिन एजुकेशन जीरो हो, तो आप किसका मैनेजमेंट कर रहे हो, क्या मैनेज कर रहे हो आप, आर यू मैनेजिंग द वर्क सीरियसली? नो भाई, स्कूल का मेन टारगेट क्या है? मैं नहीं कहता स्कूल गंदा होना चाहिए, स्कूल बहुत भद्दा दिखे जैसे पहले हमारे दिखते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन स्कूल अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन व्हाट इज द मेन टास्क टू बी मैनेज इन स्कूल, क्या है? एजुकेशन। सेम वे लिखो अगेन इसी के आगे, इन हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल द टास्क टू बी कंप्लीटेड इज टू ट्रीट द पेशेंट। अब एक हॉस्पिटल है, बहुत सुंदर हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, वहां लिफ्ट लगी हुई है, एसी काम कर रहा है, हॉस्पिटल ज्यादा ऐसा लगता है कि जैसे फाइव स्टार होटल में आ गए हो, लेकिन वहां जाके बैठ जाओ तो कोई आपको पूछने भी नहीं आता, आप वहां बैठे हुए, बैठने के लिए चेयर भी अच्छे से नहीं है, चेयर भी कम है, आपको कभी कभी नीचे बैठना पड़ रहा है फर्श के ऊपर क्योंकि आप बीमार हो। मुझे बताओ व्हाट इज द टास्क टू बी कंप्लीट इन द हॉस्पिटल, टू ट्रीट द पेशेंट प्रॉपरली, आप वो नहीं कर रहे हो, मींस यू आर नॉट मैनेजिंग द वर्क। व्हेन इट्स कम टू मैनेजमेंट द वर्क, मैं समझाना ये चाहता हूं, व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ वर्क वी हैव टू सी द नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो नेचर है, अगर बिजनेस मतलब हॉस्पिटल है तो उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, टू ट्रीट द पेशेंट प्रॉपरली, वी हैव टू मैनेज दैट पार्ट। अगर एक स्कूल है तो उसका मेन टारगेट क्या है, टू गिव द एजुकेशन प्रॉपरली। अगर एक ट्यूशन सेंटर है, ट्यूशन सेंटर, अगर ट्यूशन सेंटर बहुत बड़ा है ना, उसमें बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ऐसे बड़ा बड़ा लिखा है टारगेट 100,
ऐसे करके बड़ा बड़ा लिखा है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चेयर्स लगी हैं और बच्चों के खेलने के लिए कमरा भी है जहां बच्चे बैठ के आपस में खेलते हैं और उन्हें फोन भी अलाउड है कि बैठ के फोन भी देख सकते हैं। मुझे बताओ, ऑल दिस फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड और द गुड एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। तो बस जो मेन टास्क है ना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का या ट्यूशन सेंटर का इज टू प्रोवाइड द गुड एजुकेशन। तो हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं वी मैनेजमेंट द मेन टास्क मतलब वर्क, हम वर्क को मैनेज करें मींस द नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है उसका काम क्या है और उसको मैनेज को करने को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हो गया पहला, आ जाओ दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। People refer to human resource. And human resource are the most important assets of a business. Management has to get the task completed. Management has to get the task or work completed through people. By making them effective and efficient. बात क्लियर होगी, समझ में आ गई है ना। अब पहला क्या था, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, लेकिन काम करेगा कौन, काम करता कौन है असली में? लोग ही तो काम करते हैं। जो तुम्हारे पास तुम वर्क को मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से, तुम चाहते हो कि बहुत अच्छे से हम लोगों को एजुकेशन दें, बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ाएं, आपके माइंड में सेट है, यू हैव मैनेज्ड इट। लेकिन जो टीचर आपके पास है वो सारे के सारे बेवकूफ है, फिर क्या करोगे आप, कर पाओगे अच्छे एजुकेशन? तो फिर सच्ची में ये जो वर्क है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, इसे पूरा कौन करेगा? पीपल। और जो लोग आपके पास है उन्हें आपने सही से मैनेज नहीं किए हैं। और ह्यूमन रिसोर्स एक कंपनी का सबसे बड़ा असेट्स है। मालूम है, अच्छे लोग बुरे वक्त में कंपनी को तार के ले जाते हैं और बहुत गंदे लोग अच्छे वक्त में भी कंपनी को डुबो देते हैं। कंपनी के एम्प्लॉय जो होते हैं ना, वो कंपनी के बहुत बड़े असेट्स होते हैं। कंपनियां तभी तो मैनेजर्स को पार्टनर बना देती हैं और उन्हें गारंटी देती है मिनिमम प्रॉफिट की। मालूम है कौन से मैनेजर होते हैं, दोज आर द असेट्स ऑफ बिजनेस, जिन्हें कंपनियां लूज नहीं करना चाहती। कंपनी चाहती है कि वो मैनेजर वहां से छोड़ के चला ना जाए, इसलिए कंपनी क्या करती है मालूम है, उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च देती है या उसे अपना पार्टनर बना लेती है, ताकि अब उसे लगे वो काम नहीं करता, अब तो वो पार्टनर है, अब कहां जाएगा भाई, अब तो पार्टनर बना दिया। तो पार्टनर बना के फॉर्म में बड़ी डाल देती है कंपनी, ताकि वो छोड़ के ना चला जाए, सारी उम्र के नहीं रह जाए वो। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स आर द असेट्स ऑफ बिजनेस। अच्छे लोग कंपनी के असेट्स होते हैं, जो अच्छे काम करने वाले ईमानदार मेहनती लोग जो होते हैं ना, उनकी हर जगह डिमांड होती है। हर कंपनी चाहती है कि उसके एम्प्लॉई ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो और हार्ड वर्किंग हो। बेशक नॉलेज में थोड़ा सा कम हो ना, 1% 2% चल जाएगा, लेकिन ईमानदार और मेहनत होना बहुत मेहनती होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉलेज को आप गेन कर जाते हो, नॉलेज में क्या रहता है कि आप गेन कर जाओगे विद एक्सपीरियंस, बट ईमानदारी आप गेन नहीं करते। एक बार आप में बेईमानी घुस गई तो फिर आप और ज्यादा बेईमान होते चले जाओ। आई बात समझ में? तो फिर जो मैनेजमेंट है, पीपल की मैनेजमेंट का मतलब यह है कि लोगों को इफेक्टिव बनाना, एफिशिएंट बनाना, ऑनेस्ट बनाना, हार्ड वर्कर बनाना, ताकि लोग अपने टाइम पे काम पूरा कर सकें। और जब लोग एफिशिएंट होंगे मतलब वो चोरी नहीं करेंगे, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे। मतलब आपका काम चल रहा है और मैनेजर जाके सो गया, नाइट ड्यूटी पे था, उसका ड्यूटी था क्या, देखना कि काम कैसे हो रहा है, और वो जाके अपने रूम में सो गया और उसने बोला फोरमैन को, अबे देख लियो भाई, और पता लगा मशीन जल गई, हो गया नुकसान।
कंपनी का 2 करोड़ की मशीन चल गई, ऐसा होता है, आपने सुना होगा, ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। इसका मतलब आपने अपनी ड्यूटी को सही तरह से नहीं निभाया, एंड दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। वी हैव टू मैनेज द पीपल इन अ वे सो वी मेक देम मोर इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट, ठीक है जी। हो गई बात खत्म, आ जाओ तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशंस रेफर टू द एक्टिविटीज, ऑपरेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। सच एज बाइंग रॉ मटेरियल, एंड कन्वर्टिंग इट इंटू फिनिश गुड्स। इन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन वी मीन इन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन वी मीन मिक्सिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल। मिक्सिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल, इन दोनों को जब हम मिक्स करें तो क्या बन जाता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है जी। मिक्सिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल, फॉर एग्जाम्पल टू डिसाइड या देखो इधर To decide what work to be done, लिखो what work to be done, क्या काम करना है, पहले decide किया what work to be done। दूसरा, when it comes to people, who will do it, कौन करेगा, who will do it, और when it comes to operation, how will do it। आप समझे मेरी बात को, आप समझे आप क्लियर बात, यहां पे डिसाइड करना कि कौन सा काम करना है, यहां पे कौन उस काम को करेगा और यहां हम कैसे करेंगे, व्हाट वर्क टू बी डन, हु विल डू इट एंड हाउ विल डू इट। मिक्सिंग हो गई ना सब चीजों की, तो मिक्सिंग हो जाती है जब पीपल की और वर्क की, तो उसे हम कह देते हैं ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट एज अ मल्टी डायमेंशन। मैंने इसलिए लिखवाया बटे अलग से क्योंकि 2 नंबर में पेपर में आएगा, 100% आता पेपर में डाउट ये वाला टॉपिक। आ जाओ नेक्स्ट, आगे चलो। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आप बोलते हो कि सर फटाफट सिलेबस खत्म करवाओ, पता नहीं कैसे मैडम पढ़ा देती है घंटे में सारा कुछ, मैं तो बहुत हैरान हूं है? एक घंटे में मैडम एक चैप्टर खत्म करा के निकल जाती है, पता नहीं कैसे। मैं बोलता हूँ एक एक पॉइंट को समझाने के लिए टाइम चाहिए, पता नहीं या तो मैं ज्यादा बोलता हूँ या आप कम सुनते हो, कोई तो चक्कर है, इसलिए हम सिलेबस खत्म नहीं करते। देखो एक टॉपिक खत्म नहीं हुआ आज, एक दिन में अगर एक टॉपिक खत्म नहीं हुआ तो 9 दिन में चैप्टर खत्म नहीं होगा, एक महीने में 3 चैप्टर खत्म होने जरूरी है, ठीक है जी। तो आप फटाफट जल्दी से, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, 5 मिनट में और चलते हैं, लिखो मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन। लो पेन गिर गए, अब नैंसी गिरेगी। मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन। Because all the functions of management are to be performed, लिख दो, all the functions of management are to be performed on a continuous basis. फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, POSDC, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सभी फंक्शंस ऐसे हैं जो कंटिन्यूस प्रोसेस में काम करते हैं। एक बार करने से ये प्रोसेस खत्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप अपना एग्जांपल लो, देखो इधर आपने प्लानिंग की टू गेट 100 मार्क्स इन क्लास 12, इधर देखो यू प्लान फॉर 100 मार्क्स इन क्लास 12 इन BSc, यू गॉट इट, खत्म, जिंदगी खत्म, अब नेक्स्ट प्लान शुरू। मतलब जहां एक प्लान खत्म हुई और आपने अचीव किया, तुरंत सेकंड प्लान, चलो गो फॉर CA और गो फॉर CS या गो फॉर BCom, होगी प्लानिंग स्टार्ट। आपने BCom फर्स्ट ईयर की प्लानिंग की टू गेट 90% मार्क्स इन BCom फर्स्ट ईयर, खत्म हो गया साल, यू अचीव इट, अब खत्म, अगली प्लानिंग शुरू। अभी आप गए पिज्जा खाने के लिए, पिज्जा खाने के पापा के साथ, और पिज्जे की दुकान पे बैठे हो, सामने से पिज्जा आया, आपने पिज्जा खाया, अरे बहुत से खाया नहीं पता कोरोना के चक्कर में, तो सामने से पिज्जा आया, आपने पिज्जा खाया, पिज्जा खा रहे हो और खाते खाते पता क्या बोल रहे हो, पापा नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे चलेंगे, लो पागल, अरे तो पिछली खत्म हो रही है, अभी खा रहे हो, अगली प्लानिंग बन भी गई, देखा आपने, होता कि नहीं होता ऐसा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि एक प्लानिंग बनाई वो प्लानिंग का काम पूरा हुआ और आप बैठ गए, ऐसा नहीं, वो तभी होएगा जब आपको भगवान ले जाए, पर ऐसा लेके नहीं जाएगा। तो इसलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस, और जब कोई चीज प्लान होगी तो फिर ऑर्गेनाइज भी होगी, ऑर्गेनाइज होगी तो उसको करने के लिए लोग भी आएंगे, स्टाफिंग, और कोई स्टाफ होगा, अगर स्टाफ होगा तो कोई डायरेक्ट करने वाला भी होगा, डायरेक्टिंग, और लास्ट में फिर चेक भी हो जाएगा, कंट्रोलिंग। मतलब ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर अ कंटिन्यूस प्रोसेस। यहां जितने भी फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं वो एक खत्म होते ही दूसरा शुरू। टारगेट था 10,000 कार्स टू बी सोल्ड, बिक गई, अब अगले साल का टारगेट फिर 10,000 ना, अब क्या हो जाएगा 11,000 टू बी सोल्ड या 10,500 टू बी सोल्ड, बढ़ जाएगा ना टारगेट, ओके 10,500 भी अचीव हो गया, अब 11,000। मतलब जैसे ही एक टारगेट कंप्लीट हुआ, एक प्लानिंग खत्म हुई, अगली शुरू, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होता। दुनिया खत्म हो जाए, मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट, ये भी हो गया, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। लिखो मैनेजमेंट ऑलवेज, हेलो सुनो, ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं बीच बीच में लिखवा नहीं रहा हूं हिंदी वाले, ये अपने आप से डाल देना बीच में, ये जो एग्जाम्पल्स मैं अभी दे रहा हूं आपको बीच में, ये बीच में के एग्जाम्पल्स डाल लेना बीच में, एक एक लाइन छोड़ दिया करो, कहीं एग्जाम्पल डाल दिया करो बीच में, है ना। मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर, मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजीरियल एक्टिविटीज। मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजीरियल एक्टिविटीज। ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजीरियल एक्टिविटीज। मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। अकेले आदमी को आप क्या मैनेज करोगे बिजनेस के अंदर, अगर एक ही आदमी होगा वो क्या मैनेजमेंट बनाएगा और क्या अपने आप को मैनेज करेगा, वो अगर वही सारी एक्टिविटीज कर रहा है। मान लो आप ही हो, आप ही मालिक, आप ही मशीन के ऑपरेटर, प्रोडक्शन भी आप ही कर रहे हो, रॉ मटेरियल भी आप ही बाय कर रहे हो, आप ही उसे कन्वर्ट कर रहे हो, आप ही सेल कर रहे हो, आप ही पैसा क्रेडिट कर रहे हो, फिर क्या करोगे मैनेजमेंट, किसको मैनेज करोगे आप, अपने आप को ही, अकेले आदमी को। अरे भाई मैनेजमेंट तो तब है जब बहुत सारे लोग हैं, कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, कोई सेल्स मैनेजर है, कोई मार्केटिंग मैनेजर है, कोई स्टोर मैनेजर है, कोई अकाउंट्स मैनेजर है, कोई ऑपरेशन मैनेजर है, कोई जनरल मैनेजर है। इट्स अ मैनेजरियल एक्टिविटी, ये ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज किया जाता है, अकेले आदमी को मैनेज नहीं किया जाता। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। जल्दी जल्दी, मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल,
मेजरमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल कॉमा ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू कहां तक लिखा है, मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल्स कॉमा ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेक प्लेस इन एनवायरमेंट फॉर एग्जाम्पल केएफसी इज ऑफरिंग, देखो केएफसी इज ऑफरिंग द बर्गर ऑफ आलू टिक्की. बताता हूं, केएफसी इज ऑफरिंग द बर्गर ऑफ आलू टिक्की इन इंडिया मार्केट, इन इंडियन मार्केट. समझे आप मेरी बात? देखो इधर, मैंने एग्जांपल इसलिए देखे याद रहे आपको, सुनो इधर. केएफसी जो है ना, उसका काम है नॉन वेज बेचना, या वेज भी बेचना तो अलग चीजें बेचना, ठीक है. लेकिन केएफसी जब इंडियन मार्केट में आया ना, उसको मालूम है यहाँ लोग आलू की टिक्की और बर्गर बहुत खाते हैं, तो अपने मेनू कार्ड में उन्होंने आलू की टिक्की के बर्गर को डाल दिया. क्यों? क्योंकि उसे मालूम था आलू की टिक्की खाने वाला एक आदमी आएगा तो साथ में पांच वो भी आएंगे जो चिकन खा के जाएंगे. अगर वो अपने आप को चेंज ना करता तो फिर टिक नहीं सकता था मार्केट में. मतलब मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन. ये नहीं हुआ आज, अभी देखो ना कितनी बड़ी पैंडेमिक है, कितना बड़ा महामारी चल रही है. एवरीवन हैज चेंज द सिस्टम ऑफ डूइंग बिजनेस. सब लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, स्टडी भी ऑनलाइन चल रही है. आप ये देखो, यहां तक कि फैक्ट्रीज के अंदर काम जो वर्कर्स कर रहे हैं उनको रात को वहीं सोना भी पड़ रहा है. कितने सारे चेंज हुए हैं. हाउ मेनी चेंजेस आर हैपन इन द मैनेजमेंट नाउ. अगर मैनेजमेंट चेंज को ना अपनाए तो फिर कंपनी चल नहीं पाएगी, कंपनी डूब जाएंगी. फिर अगर आप कहते हो कि मेरे में अकड़ है, मैं नहीं बदलूंगा, तो फिर ठीक है, मार्केट से बाहर. अगर केएफसी बोले दैट आई विल सेल ओनली एंड ओनली दिस थिंग्स व्हिच आर इन माय मेनू कार्ड, आई विल नॉट चेंज इट अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट, दे कैन नॉट सर्वाइव. वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. जो पिज्जा मैकडोनल्ड वहां बनाता है वो सेम पिज्जा यहां नहीं बनाता. जो डोमिनोज पिज्जा वहां बनाएगा, बाहर जहां से डोमिनोज है, वो सेम क्वालिटी का पिज्जा यहां नहीं बनता, क्योंकि यहां लोग इतना पैसा पिज्जा पे नहीं खर्चेंगे. अब मानो मैं युगांडा में था तो 2500 रुपए का इंडियन के 2500 रुपीज का एक पिज्जा आता था, इंडियन रुपीज 2500. एक रियल इटालियन पिज्जा अगर आप खाओ, इटालियन पिज्जा, इटली का है ना पिज्जा मेन, अगर रियल इटालियन पिज्जा आप खाते हो तो उसका ये साइज रहता है, एक फैमिली के लिए बहुत है. और वो उसमें बहुत कुछ है जो इंडियन मार्केट में कभी आपको मिला ही नहीं. वो एक पिज्जा की कॉस्ट अगर आप देखो तो आई वॉज यूज टू पे 1 लाख युगांडा शिलिंग, 1 लाख युगांडा शिलिंग, मतलब ऑलमोस्ट 2500 से लेकर 3000 इंडियन रुपीज. अब इंडियन मार्केट में वही पिज्जा क्या 3000 का बिक सकता है? पीपल विल नॉट बाय. हमें पिज्जा चाहिए मैक्सिमम 400 रुपए में, वो भी चीज का भरा हुआ. चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा ही है ना हम लोगों के साथ, हमें 400 रुपए का मैक्सिमम पिज्जा चाहिए और उसमें भी चीज फुल चाहिए. पानी आ गया, बहुत सारा चीज चाहिए है? तो कंपनीज ने क्या किया, दे हैव चेंज अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग. दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. मीन्स वी चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट. We cannot be rigid that we are not going to change. We will be out from the market then. ठीक है जी. तो ये हमारा पॉइंट था. कौन सा? मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, जिसमें पिज्जा का एग्जाम्पल आप दे सकते हो या आलू टिक्की का एग्जाम्पल मैंने लिखवाया. और फिर लास्ट वाला, ये तो हमारा पॉइंट है, बुक का पॉइंट है नहीं. मैनेजमेंट इज एन टेंजिबल फोर्स, मतलब वी कैन नॉट सी द मैनेजमेंट, वी कैन नॉट टच द मैनेजमेंट, वी कैन ओनली फील द मैनेजमेंट वंस द थिंग्स हैव बीन डन प्रॉपरली. हम क्या बोलते हैं शादी होने के बाद, अरे यार क्या मजेदार शादी थी, सब कुछ सही तरह हो गया. वो क्या था उसके पीछे, कौन था? मैनेजमेंट. जब 12वीं क्लास पास हो जाएगी, नंबर अच्छे आ जाएंगे, 100% मार्क्स होंगे, 98% मार्क्स होंगे, आपका नाम होगा, आप पता क्या बोलोगे? वाह मजा आ गया, क्लास में मार्क्स अच्छे आ गए. और पीछे उसके कौन था पता है? एक फोर्स थी जो आपको कभी दिखी नहीं, वो थी गुड मैनेजमेंट. हाँ.
मैं भी साहब, मैं मुझे पीछे पक्का लगा लेना, मेरा नाम है लेकिन गुड मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट, इट इज यू टू मैनेज योर सेल्फ, आई कैन नॉट मैनेज यू, इट इज यू टू मैनेज योर सेल्फ। ठीक है जी, तो ये हुए हमारे सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन से फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, चलो बच्चों।